प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। सरकारी में हमारा दूरदर्शन के मार्फत कुछ कोर्सेज मतलब क्लासेस चल रही है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे सिस्टम में क्या उनको कोई आपकी तरफ से निर्देश है? बिल्कुल, देखिए भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों के माध्यम से मैं सबसे पहले मैं अपने शिक्षक बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे कई शिक्षकों ने भाई स्वप्रेरणा से अपने मन से बड़े मन के साथ उनको लगा कि नहीं, हम शिक्षक हैं और शिक्षक का काम है समाज का उत्थान, बच्चों का उत्थान। इस भाव को लेके गांव-गांव जाके कई जगह बच्चों को उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से उन समस्त शिक्षकों को मैं साधुवाद करता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत बड़े स्वरूप में निभाने का काम किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं आने वाले टाइम में भी जिन शिक्षकों ने ऐसा एग्जाम्पल पेश किया, ऐसे ही अन्य शिक्षकों से भी मैं अपील करता हूँ कि डिपार्टमेंट की छवि को बनाने के लिए, और आज वक्त की मांग है कि शिक्षक अपनी सेवाओं को बच्चों को गांव-गांव या अपने स्कूल के आसपास जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ आसपास के जो गाँव हैं कस्बे हैं उनमें जाकर बच्चों को किसी न किसी माध्यम से अवश्य उनको पढ़ाने का काम करें, मैं अपील करता हूँ। सर, क्या आपको लगता नहीं 30% ने सिलेबस में कमी कर दी है, लेकिन जिनकी क्लासेस चल रही उनका तो ठीक है, लेकिन जिनकी नहीं चल रही वो डिस्पैरिटी आ जाएगी बच्चों के एजुकेशन में? जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, NCERT ने 30% सिलेबस को कम किया, हमने अपने NCERT को हमने और बोर्ड को निर्देश दिया कि आप भी NCERT के मानक के अनुसार 30% सिलेबस को कम करके ही आगे लाएँ। तो अभी तो जो भारत सरकार से निर्देश है उसको हमने पालन किया है, आगे भी जैसा निर्देश होगा हम उसके क्रम में उसका पालन करेंगे।